हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट समझना। बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है, पढ़िए, हम जरा पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर्स। अपने ओनर से बिल्कुल अलग होता है, यानी बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। आप कहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा इस पिक्चर को देखिए आप जरा। आई एम जस्ट लैंड यू मनी फॉर डूइंग बिजनेस, यू विल हैव टू पे मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस मैन कह रहा है बिजनेस से कि मैंने जो कैपिटल आपको दी है वो मैं लैंड कर रहा हूँ आपको। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक फादर अपने बेटे को कह रहे हैं, बेटा मैंने आपको पैसे दिए हैं उधार, आप मुझे वापस करोगे और जब तक नहीं वापस करोगे तब तक मुझे इंटरेस्ट भी दोगे। ठीक है, तो बेटे के लिए तो वो उधार हो गया ना पैसा जो फादर ने दिया है। तो आई एम जस्ट लैंडिंग यू मनी फॉर डूइंग बिजनेस, यू विल हैव टू पे मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये बिजनेस को बोल रहा है बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर। मतलब जो अकाउंटेंट है या हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन के जिसने पैसा दिया है। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए बिजनेस क्या कह रहा है, कैपिटल इज माई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो होगी, अगर फादर ने बेटे को लोन दिया है तो बेटे के लिए तो लाइबिलिटी है ना। तो कैपिटल इज माई लाइबिलिटी एंड बिजनेसमैन इज माई क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को बोलते हैं जो आपको उधार देता है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए बिजनेसमैन क्या हो गया, क्रेडिटर। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। मैंने अभी बताया कि कैपिटल को लायबिलिटी की तरह मानेंगे। बिकॉज इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज बोरोड फंड्स फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटे ने अपने ही फादर से लोन लिया है, तो हम मान रहे हैं कि बिजनेस ने अपने ही ओनर से, बिजनेसमैन से लोन लिया हुआ है, मतलब कैपिटल बोरो की हुई है, इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, कहीं बाहर से लेने की बजाय अपने ही बिजनेसमैन से, ओनर से बोरो किया है कैपिटल। अब देखिए स्टार्टिंग से पूरा पढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट ऑफ यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, पहली लाइन। सेकेंड, बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कम्प्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर। दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपको पैराग्राफ को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करना है। थर्ड पार्ट, एंड द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाई हिम। The capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that the firm has borrowed fund from its own proprietor instead of borrowing it from outside parties. Business ne capital borrow ki hai businessman se, bahar kisi se lene ki bajaye. Ab hamara concept hai second, money measurement concept. Dekhiye kya kehta hai ye concept. Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. मतलब accounts में वही चीज़ें हम show करते हैं जिनको हम money में convert कर सकते हैं। जिनको हम money में convert नहीं कर सकते उन्हें हम accounts में show भी नहीं करते। अब आप बोलेंगे ऐसा ही होता है, बेटा ऐसा ही है, लेकिन ये concept हमें पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं business में जो इम्पॉर्टेंट होती हैं बिज़नेस में, लेकिन उनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें शो नहीं करते अकाउंट में। जैसे ये देखिए कि एक वर्कर है जो फीवर में भी बेचारा हार्डवर्क करता है, रेगुलर आता है, तो वो कहता है कि इस चीज़ को भी आप रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, उसकी ईमानदारी को, उसके हार्डवर्क को, फीवर में काम करना, तो इसको हम अकाउंट्स में मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ तो ही शो करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। अब देखिए शिनचैन क्या कह रहा है, आई एम वेरी पंक्चुअल, माई पंक्चुअलिटी मस्ट बी काउंटेड इन रुपीज़, मेरी पंक्चुअलिटी को भी रुपीज़ में काउंट कीजिए, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को अकाउंट्स में हम शो नहीं करते। ठीक है,
सेकेंड लाइन देखिए, एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. मतलब कि जब तक कोई इवेंट या ट्रांजेक्शन को हम फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत जायज़ तरीके से अगर हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रुपीज़ में तभी दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे. अब देखिए पूरा जो हमें लिखना है आंसर. मनी मेजरमेंट अजम्पशन, ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, पहला. सेकंड, एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. तो ये इस पैराग्राफ के दो पॉइंट्स हैं जो आप अलग अलग लर्न करोगे. हमेशा कभी भी आप पैराग्राफ लर्न करते हैं तो आप दो पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स बना के उनको लर्न कीजिए, बहुत जल्दी होगा. ठीक है, चलिए इसको हम पार्ट वन में रखते हैं, पार्ट टू में बाकी कॉन्सेप्ट्स करते हैं.